नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में शनि देव की वक्रत अवस्था वृष राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी, इस पर बात करेंगे। शनि देव 23 मई 2021 को 14:50 पर वक्री होने जा रहे हैं, जो 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। पहले यह जानना जरूरी है कि वक्रत अवस्था क्या है और किस दशा में इसके परिणाम शुभ होते हैं। जब कोई भी ग्रह, खासकर मंगल, शनि, गुरु, सूर्य से पांचवें से नौवें भाव में आते हैं तो वह वक्री हो जाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब सूर्य व शनि के बीच में पृथ्वी आगे की ओर जाएगी तो शनि उल्टे चलते हुए प्रतीत होंगे। कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में उल्टा नहीं चलता, केवल उल्टा चलता हुआ आभास होता है। तो शनि अपनी ही धुरी में चक्कर लगाते हुए उल्टा चलते हुए प्रतीत होंगे। वक्रत अवस्था में कोई भी ग्रह बहुत अधिक बलवान हो जाता है। वक्रत अवस्था में ग्रह का चेष्टा बल प्रबल हो जाता है। किसी भी सौम्य ग्रह का वक्री होना अच्छा माना जाता है, परंतु पापी ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वह क्रूरता को प्राप्त करता है। परंतु शनि का अपनी ही राशि में वक्रत होना अच्छा है। वक्री शनि वृष राशि के जातकों को क्या क्या देगा, किस्मत का कितना साथ मिलेगा, इस पर बात करूंगा। परंतु उससे पहले एक बात बता दूं, यह चंद्र राशि पर आधारित है। वैसे भी यदि हम गोचर की बात करें तो ऋषि पारासर जी के अनुसार हम चंद्र राशि को महत्ता देते हैं। तो यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता हो तो आप ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करके अपनी चंद्र राशि जान सकते हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में योग कारक है तो शनि के वक्री होने पर वह आपको सामान्य से कई गुना अधिक अच्छे फल देगा। वक्री होने का अर्थ मारक या गलत होना नहीं, बल्कि परिणामों को जल्दी देने से है, क्योंकि ऐसे में शनि तेज चलना आरंभ कर देंगे, जिससे परिणामों को देने की चेष्टा बल बढ़ जाएगी। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, योग कारक हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या उच्च के हैं, तुला राशि में हैं, अपनी मित्र राशि या स्वच्छित राशि में हैं, तो शनि की वक्रत अवस्था बहुत कुछ देगी इस समावधि में। ऐसे में शनि वक्रत अवस्था में शुभ फल देने की चेष्टा करेंगे। चलिए, यदि हम वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो चंद्र कुंडली से शनि वर्तमान में आपकी चंद्र राशि से नौवें भाव में श्रवण नक्षत्र में गोचरवत है। जब शनि चंद्र राशि से नौवें भाव में गोचर करता है तो चांदी के पाए में माना जाता है। 23 मई 2021 को शनि वक्रत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे व 11 अक्टूबर 2021 तक यहाँ वक्रत अवस्था में रहेंगे। तो वृषभ राशि के लिए शनि भाग्येश है। वृषभ राशि के लिए शनि परम राजयोग व अतिशुभ फलदायी हैं। शनि नीच व दुष्ट ग्रह होने के बावजूद भी आप राशि के जातकों को सुंदर व सर्वोत्तम फल देंगे। इधर जब 23 मई 2021 से शनि चेष्टा बल भी प्राप्त कर लेंगे तो यदि आप पर कोई ऋण है, किसी का कर्ज है, तो आप इसे चुकता करने में सक्षम रहेंगे। शरीर स्वस्थता को प्राप्त करेगा। शत्रुओं का दमन होगा। आय में भी बढ़ोतरी होगी। धन आगमन होगा, परंतु आपको मेहनत अधिक कराएगा। मेहनत के बल पर भाग्य लिखेंगे तो परेशान ना हो। शनि व्यक्ति को धन प्राप्ति के लिए, भाग्य का उदय कराने के लिए परिश्रम करवाता है। यदि आप कोई भूमि, मकान खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस समय में यह कार्य पूरा होता नजर आ रहा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में नौकरी या व्यापार स्थल पर सराहा जाएगा। संबंधियों से मेल मिलाप बढ़ेगा। हाँ, धर्म के प्रति अरुचि बढ़ेगी। वह
भाई वर्ग से थोड़ी परेशानी मिल सकती है। बंधन या आरोप का भय रहेगा, परंतु शनि देव महाराज सब संभाल लेंगे। पिता का आदर करें, धर्म से जुड़े रहें, मेहनत जितनी करेंगे उतना लाभ होगा, उन्नति करेंगे आप लोग, मनचाह स्थान परिवर्तन भी होगा। आपकी यात्राएं सुखद रहेंगी। जॉब, करियर व व्यवसाय में आप इस समय में बहुत तरक्की करेंगे। शनि की वक्रत अवस्था उन जातकों के लिए और भी लाभप्रद है जो शनि से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं। शिक्षा व व्यवसाय से जुड़े जातकों को थोड़ी भाग्य में अड़चन महसूस होगी। वृष राशि के लिए शनि का वक्रत होना कुल मिलाकर बहुत शुभ फलदायक है। शिक्षा व व्यवसाय से जुड़े जातक समय बेहतर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करें व ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।